हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अंशिका अलायंस सॉल्यूशन पर। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे BSPHCL यानी कि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड ऑनलाइन फॉर्म 2024 का आवेदन कैसे करें, क्या प्रोसेस है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा ध्यान से देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके और आवेदन करने में आपको कोई समस्या ना हो। दोस्तों, इस वीडियो में हम टेक्नीशियन ग्रेड 3rd की वैकेंसी का आवेदन करेंगे। दोस्तों, आपको इसकी पूरी जानकारी बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की आपसे वेबसाइट में मिल जाएगी। डायरेक्ट लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है, आप उस पर डायरेक्ट क्लिक करके इसकी वेबसाइट पे आ सकते हैं और आपको उसकी पूरी जानकारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं कि इसमें कितनी पोस्ट दी गई है, क्या क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए, आप इसका आवेदन कब से कब तक कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें कुल मिला के टेक्नीशियन ग्रेड 3rd में कुल मिला के 2000 वैकेंसीज दी गई हैं। कैटेगरी वाइज वैकेंसी को डिवाइड किया गया है, आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। अब दोस्तों, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए आपके पास, दोस्तों हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, उसके साथ ही साथ 2 साल का ITI सर्टिफिकेट, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से होना चाहिए, OBC यानी कि आपका NCVT या SCVT से होना चाहिए। दोस्तों, इसमें अपेयरिंग कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होंगे, जो अभी ITI कर रहे हैं वो कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होंगे, ITI पास होनी चाहिए तभी आप फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों, एज लिमिट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जनरल की एज जो दी गई है 18 से 37 साल, SC की 18 से 42 साल, ST की 18 से 42 साल और EBC की 18 से 40 साल, BC की 18 से 40 साल, फीमेल जो जनरल की हैं वो 18 से 40 साल उनके लिए एज दी गई है। दोस्तों, अब कैटेगरी वाइज हम फीस की बात कर लेते हैं। जो एप्लीकेशन फीस लगने वाली है, जनरल EBC और BC एप्लीकेंट के लिए 1500 रुपये का शुल्क है और SC ST फीमेल कैंडिडेट जो बिहार की हैं उनके लिए 375 रुपये का शुल्क लिया जाएगा। दोस्तों, पहले इसका आवेदन 1 अप्रैल 2024 से शुरू होने वाला था, लेकिन इसकी जो तिथि है वो बदलकर 20 जून 2024 से शुरू की गई है और दोस्तों इसकी अंतिम तिथि जो है 19 जुलाई 2024 तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, आवेदन करने के लिए आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं BHPCL, आप इसको गूगल पे सर्च कर लें, आपको यहाँ पे इसकी आपसे वेबसाइट मिल जाएगी, आप इसको ओपन करें। ओपन करते हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पे आपको न्यू करके ऑप्शन देता है अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो दोस्तों आपको इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट्स दिखाई देते हैं। दोस्तों, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं, अलग अलग एडवर्टाइजमेंट है। तो दोस्तों, यहाँ पे विभिन्न एडवर्टाइजमेंट है। यहाँ पे एक है असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर GTO का है, उसके नीचे है जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का है, उसके नीचे दोस्तों आप देख सकते हैं करेस्पोंडेंस क्लर्क एंड स्टोर असिस्टेंट का है। फिर इसके नीचे दोस्तों जूनियर अकाउंट क्लर्क का है। फिर नीचे आएंगे तो दोस्तों यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट 5/2024 में दिया है, यहाँ इसमें दिया है टेक्नीशियन ग्रेड 3rd का। तो दोस्तों, आप जिसके लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं उसकी नोटिफिकेशन पूरा पढ़ लें, उसके बाद ही फॉर्म को अप्लाई करें। अप्लाई करने के लिए दोस्तों आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है, आप इस पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करें अपना। इस पे क्लिक करते हैं तो दोस्तों आपको डिटेल्स भरनी होती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब दोस्तों, यहाँ पे आप कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, आप इसको जरूर पढ़ लें। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको अपना फर्स्ट नेम भरना है, जो भी आपका नाम है आप उसको यहाँ पे भर सकते हैं। कैंडिडेट मिडिल नेम है, आपका कोई मिडिल नेम है, लास्ट नेम है तो आप उसको भरें, नहीं तो आप छोड़ दें। यहाँ पे दिया है कि आप मिस्टर मिसेस श्री श्रीमती का कोई इस्तेमाल नहीं करें। आगे दिया है कि आपने कभी नाम चेंज किया है तो यस करें, नहीं तो आप नो कर दें। डेट ऑफ बर्थ आपकी जो भी है आप उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। फिर दोस्तों, यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट करना है, मेल या फीमेल जो भी है सिलेक्ट कर लें। मोबाइल नंबर भरें, मोबाइल नंबर को कंफर्म करें, ईमेल आईडी भरें, ईमेल आईडी को कंफर्म करें। फिर आपको OTP जनरेट करनी होती है, जनरेट OTP पे क्लिक करें। इसके बाद दोस्तों आपको कैप्चा कोड भरना होता है, कैप्चा कोड भरें, फिर सबमिट करें। OTP दोस्तों आपको यहाँ पे डालना होता है, आपके नंबर ईमेल आईडी पे जो भी गई है उसको डाल कर वैलिडेट OTP पे क्लिक करें और कैप्चा कोड भरें, फिर री वेरीफाई पे क्लिक करें। अब दोस्तों यहाँ पे आपको
यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन करना है, यानी कि आपने जो डिटेल्स भरी हैं सब सही है, तो आपको सब पे टिक लगाना है। तो दोस्तों पहले यहाँ पे दिया है कि कैंडिडेट फर्स्ट नेम, आप अपना फर्स्ट नेम देख लें, डेट ऑफ बर्थ नीचे है, जेंडर है, मिडल नेम है यहाँ पे, अगर आपके पास है मिडल नेम तो यहाँ पे आपका भरा होगा, लास्ट नेम यहाँ पे भरा होगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी मिला ले, सब सही है तो आपको सब पे टिक लगाना है, फिर आपको कंफर्म करना है। अब आप दोस्तों देख पा रहे हैं कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो हो जाता है, आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है, पूरी डिटेल्स आपको यहाँ दिखाई देती है, आगे की डिटेल्स आपके मेल या मोबाइल नंबर पर भेज दी जाती है, यानी कि रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आपके नंबर या ईमेल पे भेज दी जाती है। अब दोस्तों आगे आपको फॉर्म भरने के लिए आपको पोस्ट सिलेक्शन, यहाँ पे आपको पोस्ट सिलेक्शन का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको पोस्ट सिलेक्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक है टू अप्लाई फॉर पोस्ट, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि आपको यहाँ पे 5 स्टेप्स में लगभग फॉर्म को कंप्लीट करना है। आपकी पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे भरी हुई है ऑलरेडी, आपको नीचे यहाँ पे मैरिटल स्टेटस भरना है, फादर नेम भरना है, मदर्स नेम भरना है, फिर आगे दोस्तों आपको पोस्ट अप्लाइड दिया है नीचे, पोस्ट डिटेल्स यहाँ पे आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आपको यहाँ पे डिटेल्स देखनी है, पोस्ट देखनी है कि आपको कौन सा पोस्ट सिलेक्ट करना है। दोस्तों हमने बताया हुआ है कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाती है, आप देख लें आप किस पोस्ट के एलिजिबल हैं, उसके हिसाब से पोस्ट सिलेक्ट करें। हम दोस्तों इस वीडियो में टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए अप्लाई करेंगे, तो दोस्तों हम अपना पोस्ट सिलेक्ट कर लेते हैं, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है आप अपना पोस्ट सिलेक्ट कर लें। फिर दोस्तों है आगे नेशनलिटी सिलेक्ट कर लें, इंडियन, फिर दिया है कि आर यू डोमिसाइल, आप बिहार, बिहार के निवासी हैं, अगर आप हैं तो यस करें, नहीं है तो नो कर दें। अगर आप यस करते हैं तो आपको यहाँ पे रिजर्वेशन मिलेगा, अगर आप नहीं है तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। दोस्तों निवासी हम नहीं हैं तो हम नो कर देते हैं, तो अगर आप नहीं हैं तो आपको यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर लें जो भी आपका है, उसके बाद आप सीधे जनरल कैटेगरी में आ जाते हैं। आगे दोस्तों आपको यहाँ पे मार्क का विजिबल आइडेंटिफिकेशन, यानी कि आपके शरीर पे कोई भी पहचान चिन्ह है, जो भी कटा हुआ या कोई मोल हो आप उसको यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके आगे आपको दोस्तों यहाँ पे प्रूफ सिलेक्ट करना है, कोई भी प्रूफ आपको यहाँ पे देना है, जैसे कि पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर आईडी, पासपोर्ट, अदर्स। अदर्स में दोस्तों आप यहाँ पे आधार कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन, आप यहाँ पे दोस्तों आप आधार कार्ड लिख सकते हैं, आधार कार्ड पे नेम क्या है आपका उसको यहाँ पे लिख सकते हैं, आईडी कार्ड नंबर भर सकते हैं, बाकी इनमें से कोई भी है तो आप उसको सिलेक्ट करें, उसका पैन कार्ड नंबर भरें, नेम क्या है उस पर आप उसको भरें, फिर आगे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, फिर आप सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। आगे दोस्तों आपको एडिशनल डिटेल्स भरनी है, आप पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हैं तो यस करें, नहीं तो आप नो कर दें। डिपार्टमेंटल डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, अगर आप फ्रीडम फाइटर्स है तो यस करें, नहीं तो आप नो कर दें। फिर आगे दिया है कि एडिशनल लैंड यूजर्स, तो दोस्तों आप इसको यस या नो कर सकते हैं, फिर आगे दोस्तों सेव एंड नेक्स्ट। अब दोस्तों यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस और करेस्पॉन्डेंस एड्रेस भरना है, आपका यहाँ पे परमानेंट जो भी एड्रेस है, विलेज, पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड भरें। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आगे दिया है कि आपका जो परमानेंट एड्रेस और करेस्पॉन्डेंस दोनों सेम है, अगर आपका सेम है तो आप इसको यस कर देंगे तो दोनों डिटेल सेम हो जाती है, अगर आप नो करते हैं तो दोस्तों अलग अलग यहाँ पे डिटेल्स भरनी होती है, डिटेल्स भर लें फिर आप सेव एंड नेक्स्ट करें। अब दोस्तों आगे आपको क्वालिफिकेशन की डिटेल भरनी है, पहले तो हाई स्कूल का भरना है, हाई स्कूल का बोर्ड का नाम आपको यहाँ पे भरना है, कौन सा बोर्ड है आपका, जो भी बोर्ड है उसको भरें, स्कूल का नाम। इसके बाद यहाँ पे आपको स्कूल का नाम भरना है कि आपने हाई स्कूल किस स्कूल से पास की है, आप उसको यहाँ पे उसका नाम भर लें। फिर यहाँ पे दिया है कि आपका जो रिजल्ट है परसेंटेज में है, सीजीपीए में है या ग्रेड्स में है, आप उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों हमारा परसेंटेज में है तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। परसेंटेज में यहाँ पे आपको क्या भरना है, यहाँ पे आपको भरना है कि आपने कितना नंबर पाया हुआ है हाई स्कूल में, तो दोस्तों आप उसको यहाँ पे भर लें। इसके बाद आपको पूर्णांक भरना है आगे वाले में, फिर आपका परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाता है, पासिंग ईयर क्या है आप उसको यहाँ पे भर लें। फिर उसका हाई स्कूल का सर्टिफिकेट नंबर दोस्तों आपको यहाँ पे भरना होता है, आप सर्टिफिकेट नंबर भर लें, सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। फिर डिवीजन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, आपका कौन सा डिवीजन है आप उसको भर लें। फिर आगे है इंटरमीडिएट की, अगर डिटेल्स है तो भरें, नहीं तो आप छोड़ दें। सेम डिटेल्स वैसे ही भरनी है जैसे हमने आपने हाई स्कूल का भरा है, वैसे ही भर के आगे बढ़े। इसके बाद आपको आईटीआई की डिटेल्स भरनी है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन में यहाँ पे दिया है कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन स्ट्रीम दिया है 2 ईयर्स आईटीआई सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो सर्टिफिकेट है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से होना चाहिए 2 साल का। फिर यहाँ पे दिया है यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट है, आप यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम डाल सकते हैं कि आपने आईटीआई कहाँ से पास की है, किस इंस्टीट्यूट से पास की है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ मंथ ईयर पासिंग, आपने कब पास किया है,
आपको दोस्तों आपके सर्टिफिकेट या मार्कशीट पे मिल जाता है आपका रिजल्ट कब आया हुआ है। दोस्तों उसको सेलेक्ट कर लें, यहाँ पे दिया है कि दोस्तों आपका रिजल्ट परसेंटेज में है या सीजीपीए में या ग्रेड मार्क में, आप उसको सेलेक्ट कर लें। फिर यहाँ पे दोस्तों आपको अपना प्राप्तांक नंबर डालना है, आपने कितना पाया हुआ है। फिर इसके आगे आपको पूर्णांक डालना है, आपका पूर्णांक कितना है आईडीआई का। फिर दोस्तों आगे यहाँ पे परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाता है। फिर दोस्तों यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पे डालना है, आईटीआई का सर्टिफिकेट नंबर आपको इसके मार्कशीट पे मिल जाएगा, आप उसको यहाँ पे डाल लें। फिर डिवीजन सेलेक्ट कर लें, फर्स्ट सेकेंड या थर्ड, आपको जो भी डिवीजन है, बाकी डिटेल्स सेव कर लें, फिर आगे बढ़ें। फिर आगे आपको दोस्तों यहाँ पे कंपनी सिलेक्शन डिटेल्स दिया है, यहाँ पे आपको कंपनी सेलेक्ट करनी है कि आप किस कंपनी को प्रिफरेंस देना चाहते हैं, आप किस कंपनी को पसंद करना चाहते हैं, पहले आप उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। दोस्तों यहाँ पे है NBPDCL, आप अपने हिसाब से तीनों सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आप पहले प्रिफरेंस देना चाहें उसको दे लें। फिर आप दोस्तों सेवन लिस्ट करें। अब दोस्तों आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करनी है, अपलोड करनी है आपको यहाँ पे फोटो सिग्नेचर सेलेक्ट करके आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। आगे आपको पेमेंट दिखाई देगा कि आपका कितना फीस कट रहा है, दोस्तों यहाँ पे फीस देख लें। इसके बाद दोस्तों आपको नीचे आना होगा, आपको यहाँ पे चूज पेमेंट मोड ऑनलाइन सेलेक्ट करना होगा। फिर डिक्लेरेशन कुछ दी गई है, आप इसको पढ़ लें, फिर सब पे क्लिक कर लें। फिर दोस्तों आपको प्रीव्यू करके एक बार डिटेल्स देख लेनी है कि आपने जो डिटेल्स भरी है सब सही है कि नहीं सही है। सब सही है तो आप सबमिट करें। दोस्तों जो आपका फोटो होगा वो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होगा, वो भी वाइट बैकग्राउंड में आपका फोटो होना चाहिए। साइज दोस्तों 200 KB से 500 KB के बीच में दी गई है। उसके साथ ही साथ आपको जो डायमेंशन दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर × 4.5 सेंटीमीटर में आपको जो फोटो है उसको अपलोड करनी है। दोस्तों सिग्नेचर की जो साइज होगी 50 KB से 200 KB के बीच आपकी सिग्नेचर की साइज होगी। अब दोस्तों आपको ये सबमिट करना है। डिटेल्स देख लेने के बाद दोस्तों आप सीधे पेमेंट गेटवे पे जाएंगे, आपको यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट्स का ऑप्शन मिल जाता है। तो दोस्तों आपके पास जो भी ऑप्शन उपलब्ध है आप उसके माध्यम से पेमेंट कर लें। पेमेंट करने के बाद दोस्तों आपको फाइनल प्रिंट मिल जाता है। अगर पेमेंट नहीं हो पाती है यानी कि किसी कारणवश कट जाता है तो दोस्तों आप दोबारा उसको लॉगिन करके फिर से कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, आपने हमारे वीडियो के माध्यम से अपना फॉर्म कंप्लीट कर लिया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और दोस्तों अगर फॉर्म भरने में आपको कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।